बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पांचवे पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें उन्होंने बड़े शाफगोई के साथ अपने वक्तव्यों को व्यक्त किया है। तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। कहते हैं, तुम तो मानो काल को हाँक करके यानी बुला करके मेरे लिए लाना चाहते हो, बुलाकर अर्थात पुकार कर। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं। परशु सुधार धैर्य कर घोरा, परशु मैंने फरसा, सुधारी मैंने सीधा करके, धैर्य मैंने पकड़ लेते हैं, रख लेते हैं, कर मैंने हाथ, घोरा मैंने भयंकर, भयंकर फरसे को सीधा करके जो सीधा लक्ष्मण की तरफ जाएगा अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब जन दे दोष मोहि लोगों। कहते हे सभा में उपस्थित जनो, अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। कटुवादी बालक बद जोगू, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक निश्चय ही बध करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, कहते हैं कि बच्चा समझ करके मैंने इसे बहुत बचाया। अब यह मरनिहार भा साचा, अब यह निश्चय ही मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, के क्रोध को बढ़ते देख करके विश्वामित्र जी बोलते हैं, कौशिक यानी विश्वामित्र कहा, कहते हैं क्षमी अपराधो, कहते हे महामुनि, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुणगन ही न साधो, कहते हैं बच्चे के दोष और गुण को साधु ऋषि महात्मा गिनते नहीं है। खर कुठार में अकर उनको ही, इस पर परशुराम जी कहते हैं खर मने तेज कुटिल, कुठार मने कुल्हाड़ा, मैं अकरुन को ही, कहते हैं कि मेरा जो फरसा है वह इतना दुष्ट और तेज है और मैं अकरुन को ही, मैं स्वयं करुणाहीन हूं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी खड़ा हो तो मैं कैसे चुप रह सकता हूं। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, हे महामुनि, आप मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित है कि जिसने मेरे प्रश्नों के उत्तर को दिया उसे मैंने बिना मारे नहीं छोड़ा। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे महामुनि, केवल आपके व्यवहार के कारण मैं इस बालक को अब तक छोड़े हुए हूं। न तो यही काट कुठार कठोरे, न तो इस कठोर कुल्हाड़े से काट करके गुरु ही उरीन होते ही श्रम थोड़े, गुरु के ऋण से मैं थोड़े ही श्रम से उरीन हो जाता है, उरीन मतलब ऋण मुक्त हो जाता। गांधी सु का हृदय हसी, इतना सोच करके इतना समझ करके विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं। मुनि ही हरियरे सूज, कहते हैं कि परशुराम जी को सभी वीर योद्धा एक समान ही नजर आ रहे हैं। आय मैं खान न ऊख में, उन्हें इस बात का भान नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। आय मैं मतलब लोहे के बने हुए, खान मने तलवार, न ऊख में, ऊख में यानी गन्ने के रस को रखने वाले पात्र जो अत्यंत कमजोर होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। कहते हैं कि उनके सामने लोहे के बने हुए खान अर्थात राम और लक्ष्मण तलवार की भांति हैं, गन्ने के रस को रखने वाले अत्यंत कमजोर पात्र नहीं हैं। अजहुन बूझ अबूझ, इतना कुछ हो जाने के बाद भी वह अज्ञानियों की भांति व्यवहार कर रहे हैं और समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उनका सामना, उनकी बातें किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं हो रही है। तो अगले और अंतिम वीडियो में हम मिलेंगे, अगले वीडियो में।